चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव के प्रयास से छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चंद्रपुर क्षेत्र में बसे ब्राह्मण समाज के सुख दुख सामाजिक सरोकार के लिए सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख की स्वीकृति प्रदान कराई गई। ब्राह्मण समाज के लिए सामुदायिक भवन की स्वीकृति होने पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव को आशीर्वाद मंत्रोच्चारण शॉल श्रीफल के साथ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि जिले का पहला विधायक है जिन्होंने हम ब्राह्मणों का ध्यान रखा और हमें बिना मांग करे ब्राह्मण के समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 15 लाख की लागत से नगर पंचायत डबरा में बनने वाले सामुदायिक भवन स्वीकृति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने बड़ी संख्या में पहुंचे तो ब्राह्मण समाज को चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव के द्वारा अपना सौभाग्य मानते हुए कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे द्वारा द्वार पर ब्राह्मण घर पहुंचे हैं और उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है इसके लिए मैं सभी ब्राह्मण समाज का ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। अब इन्होंने जो मुझे विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इसके पश्चात स्वयं राम कुमार यादव ने ब्राह्मणों को विशुद्ध ब्राह्मण भोजन खीर पूरी लड्डू खिलाकर आशीर्वाद लेकर ससम्मान ब्राह्मणों को विदा करते हुए कहा कि जब भी आप लोग मुझे याद करेंगे मैं आपके करीब रहूंगा और आज मैं धन्य हूं गया जो आप मेरे द्वारा द्वार पर पहुंचकर मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। इस प्रकार से सरल स्वभाव के विधायक राम कुमार के द्वारा ब्राह्मणों को सम्मान दिए जाने से समाज में उत्साह उमंग का माहौल है। आशीर्वाद वाचन में ब्राह्मण समाज के गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वैसे आजादी के 7 दशक बाद यदि किसी ने ब्राह्मण समाज के लिए सोचा है तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्थानीय विधायक राम कुमार यादव जी द्वारा सोच करके भवन की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा करके सामाजिक सरोकार के लिए ब्राह्मणों को जो भवन दिया है निसंदेह वो तारीफ़ काबिल है और ब्राह्मण समाज की ओर से मैं माननीय विधायक महोदय का शुक्रिया ज्ञापित करते हुए उनको पूरी समाज की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी होकर के इस क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व करें और प्रदेश में अपना इस क्षेत्र का चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन करें। ये पहली बार सौगात नहीं है, हमारा एक सोच है, हमारी जो सरकार चल रही है। कहा गया तुलसीदास एक चौपाई लिखा है, विप्रधरी सुरसंत हिता निज मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये सनातन धर्म में भी कहा गया है कि इस धरती में ब्राह्मण जो है विश्व के कल्याण के लिए पैदा हुआ है और आज चंद्रपुर विधानसभा में चंद्रपुर के जनता में ब्राह्मण समाज भी है। सभी वर्गों ने मुझे चुना, सभी का आशीर्वाद में विधायक बना, इसलिए सोचा कि ऐसे समाज आज ऐसे ब्राह्मण लोग भी हम देखे मिलता है हमारे क्षेत्र में जिनके पास रहने के लिए ठीक से मकान नहीं है। आज उनके भी समाज की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए उनके भी समाज के चिंतन करने के लिए कोई ऐसा एक व्यवस्था बना रहे इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा से आज ब्राह्मण समाज के लिए 15 लाख का यहाँ पर सामुदायिक भवन पास हुआ है। उसी का आज इन महाराज लोग धन्यवाद देने आए थे और महाराज लोग बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, दिल के साफ होते हैं। ब्राह्मण समाज को आप 10 गाली भी दे रहोगे एक बार जाकर प्रणाम करोगे तो वो अपने दिल खोल कर आशीर्वाद देता है, वो गाली को नहीं याद करता। इसलिए हमें पूरे क्षमा याचना करना अगर कहीं से सीखना है तो ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए। तो आज पूरे समाज के लोग आए थे, पूरे इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे सभी विश्व कल्याण के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, सभी को खुशहाल के लिए, सभी घर परिवार खुश रहे, कोरोना काल समाप्त हो, सब घर में जिंदगी खुशहाली हो, इसलिए पूरे हृदय से आशीर्वाद दिया है। ऐसे श्रवण मास में आशीर्वाद दिया है तो ये भोजन के बाद आशीर्वाद दिया है तो महाराज लोग तो जब पेट भर कर भोजन करता है तो उससे उनका आत्मा भी मांग लोगे तो दे देगा। तो ऐसे महाराज को मैं आज पुनः प्रणाम करता हूँ और लोक कल्याण के लिए जो हमारा पुरखा का जो संदेश है ब्राह्मण समाज विश्व के लिए जीता है, विश्व कल्याण के लिए जीता है, उसी अनुसार आज आशीर्वाद दिए, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ।